और रुपेश भाई दोनों मिलते जुलते हो, एक अपने आप में टेलीविजन के स्टार पर्दे के आगे दिखते हो, एक पर्दे के पीछे जो स्टार बनाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, कैसे रहा आपके साथ बॉन्डिंग? बहुत देखता हूँ हमेशा, मतलब नहला दहला के हमेशा साथ में रहता, क्या है मतलब? तो हमारा जो एसोसिएशन है, जो रिश्ता है, ये करीब आज से 7 साल पहले से शुरू हुआ था। मैं इनके पास गया था और मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हेल्प करिए और आप मेरी प्लेसमेंट इंडस्ट्री में अच्छे प्रोजेक्ट्स में करिए। आपको एक एक्टर में जो चाहिए ना वो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। इन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई मेरी, जिससे मेरा क्राफ्ट इन्हेंस हो एंड जिससे ये मुझे सही प्रोजेक्ट्स में प्लेस कर पाए। एंड विद इन 2 मंथ्स इन्होंने मुझे मेरे पहले प्रोजेक्ट में कास्ट किया एंड उसके बाद इन्होंने कुंडली भाग्य में मुझे कास्ट करवाया। तो इनके बिना ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। एंड तब से मैंने ठाना था कि जो रिस्पेक्ट एक कास्टिंग डायरेक्टर डिज़र्व करता है वो मैं इन्हें दूंगा। तो ये हर अवार्ड शो में, हर इवेंट में मेरे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मेरे मैनेजर हैं, ना सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर है, बल्कि मेरे बड़े भाई भी हैं। क्या बात है रुपेश भाई जी, हमारा जो एसोसिएशन है वो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप वाला नहीं है, दोनों है। पर्सनल लाइफ में ये मेरे बड़े भाई हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मेरे मैनेजर भी हैं और मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं रुपेश भाई कि आपने एक नहीं, आपके पापा भी कास्टिंग इसी लाइन से जुड़े हुए थे और आप भी उसी से जुड़े हुए, एक ने हजारों लोगों के आपने फेम दिए, उस फेम में से संजय भाई भी, जो कुंडली भाग मतलब सबको भाग, इनका भी भाग बना दिया जितनी फेमस हो चुके हैं इस शो से, आपके टच में कौन कौन अभी एक्टर है जिसे आपने फेमस कर दिया है? दो चार का नाम बताएं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय जो है ये अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने तो इनको कैमियो में कास्ट किया था कि एक महीना कैमियो है कुंडली भाग्य में, संजय कर लेते हैं हमारा और एक के साथ बालाजी में एंट्री हो जाएगी हमारी, ये बोल के हमने कास्ट किया था इनको। अब इनकी लगन, इनकी मेहनत, अब 5 साल कैसे निकल गए, 5.5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और इनकी हार्डवर्क, इनका डेडिकेशन, इनकी ईमानदारी काम को लेके, हर किसी के साथ मिलजुल के रहना, अब देखे होंगे हमेशा हम अवार्ड फंक्शन में साथ में होते हैं। मुझे पहला एक्टर है जो अवार्ड फंक्शन में लेके आने के लिए उत्साहित किया और बहुत ग्रेटफुल हूँ संजय के लिए मैं कि ऐसा एक्टर मेरे लाइफ में आया है जो कि इसका भाग्य नहीं मेरा भाग्य भी चेंज हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। इसी कुंडली भाग में आपने करते करते शादी भी कर ली आपने, चलो बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे भैया भी याद है। थैंक यू रुपेश भाई, थैंक यू इस तरह से टीवी से बॉलीवुड में आपका स्वागत, इस तरह नाम के साथ साथ फैंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं टीवी से? टीवी से बॉलीवुड तक का सफर जो है बहुत मजेदार होने वाला है। तो मैं हूँ संजय गगनानी, इसी तरह आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बहुत जल्द हम टीवी से बॉलीवुड तक का सफर पूरा बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू, मुझे उम्मीद पिक्चर कर रहा हूँ इसका मतलब आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।